आखिर क्या है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया मूवी का ओटीटी रिलीज डेट, जानिए दोस्तों इस वीडियो में। क्योंकि भाई ये जो एंटमैन की तीसरी मूवी है ना, ये उसके दोनों पार्ट से भाई एकदम ही अलग मूवी है। अगर आपने एंटमैन का पहला एंड दूसरा पार्ट देखा होगा तो वो उतनी खास नहीं थी, लेकिन ये जो एंटमैन का तीसरा पार्ट है ना भाई, ये मूवी है ना बवाल है यार, तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि मेरे कुछ भाई लोग रहते हैं जो कि थिएटर्स नहीं जा पाते, अरे यार देखो मूवी का टिकट ही 200 रुपया चल रहा है एंड एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 200 रुपया बहुत ही ज्यादा होता है, तो उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही बसता है थोड़ा इंतजार कर लो ओटीटी पे आने का। तो देखो यार इस मूवी का आखिर ओटीटी रिलीज डेट क्या होने वाला है। एक तो ये मार्वल की मूवी है, दूसरा जो इनके पापा डिज्नी है, जब भी ये मूवी ओटीटी पे आएगी तो डिज्नी प्लस पे ही आएगी, तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना तो भाई कंपलसरी है। एंड तुम भाई लोग लिख के ले लो, जब भी मार्वल की कोई भी मूवी रिलीज होती है ना तो 2 महीने से पहले ना वो ओटीटी पे आती ही नहीं है। अगर तुम्हें भगवान भी नीचे आके बोल दे कि भाई 1 महीने में मार्वल की मूवी ओटीटी पे आने वाली है तो विश्वास नहीं करना है। क्योंकि अगर आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी मार्वल की मूवी 2 महीने के बाद ही ओटीटी पे आती है। तो सेम केस ये एंटमैन क्वांटमेनिया के साथ भी होगा। तो ये जो मूवी है वो फरवरी में रिलीज हुई है, तो अप्रैल के आखिरी तक ये मूवी आपको कंफर्म ओटीटी पे देखने को मिल जाएगी हिंदी एंड सारे लैंग्वेजेस में। फिलहाल अभी कंफर्म डेट तो आपको मार्वल वाले भी नहीं बता सकते, लेकिन इन फ्यूचर अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो इस चैनल पे मैं आपको बता दूंगा। बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल बटन को भी ऑल पे सेट करना है। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में किसी ऑनेस्ट टॉपिक पर। तो चलेगा, टाटा बाय बाय।